आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से जियो सिनेमा ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी और लैपटॉप में। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना है। किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम इस ऐप को या कहीं जियो सिनेमा के ऐप को हम किस तरीके से अपने पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, कोई भी ब्राउजर आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं गूगल क्रोम यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, गूगल क्रोम यहाँ से इसे डिफॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं और सर्च कर लेते हैं जियो सिनेमा की वेबसाइट को। यहाँ से आ चुका है, ओपन कर लेते हैं। ओके, जियो सिनेमा की हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ बड़ा ही सिंपल सा तरीका यूज़ करना है। आपको यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट लेना है, बट काफ़ी लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये तो शॉर्टकट लेने का तरीका बता रहे हो आप, यहाँ पे ऐप का इंस्टॉल हुआ। तो देखिए ऐप का काम क्या है, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, आपको कंटेंट दिखाना डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक पे। और इसी तरीके से जो शॉर्टकट होता है उसका भी काम यही है कि आपको जो कंटेंट है उसको दिखाना है सिंगल क्लिक पे। काफ़ी सारे फायदे हैं इसके पीसी और लैपटॉप के ऊपर आप अगर इस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके ऊपर हार्ड डिस्क के ऊपर कोई भी अलग से कोई सॉफ्टवेयर का फोल्डर नहीं बनेगा, यानी कि आपका हार्ड डिस्क का स्पेस खाली रहेगा। तीसरी चीज़, यहाँ पर डायरेक्टली आप उसे सिंगल क्लिक पर ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू। ना तो कोई सर्वर की दिक्कत, ना कोई सेटिंग करनी है आपको, ना कुछ करना, सिंपल लॉगिन करना और यूज़ करना। अब देखिए करते कैसे उसे बताता हूँ। आपको करना क्या है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, मोर टूल्स पे जाना है और यहाँ पे जाके क्रिएट अ शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कोई जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट अ शॉर्टकट पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप डेस्कटॉप पर देखेंगे तो आपके सामने ये जियो सिनेमा का ऐप का जो शॉर्टकट है वो बन के आ जाएगा, जिस तरीके से आपके मोबाइल के ऊपर भी बन के आता है। अब यहाँ से हम इसे यूज़ किस तरीके करेंगे, इसे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं सिंगल क्लिक, यानी कि एक माउस के क्लिक पर आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ना तो आपको कोई टाइप करना पड़ा कि jiosinema.com पे जाना है या कोई उस पर जाना है, डायरेक्ट आप जिस तरीके से आपका ऐप खुलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ऐप हो चुका है। इसे हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अब यहाँ पर आप लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद जो भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स का, फ्री का, ठीक है, वो कंटेंट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में ऐप को यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं।